नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र दो में जनवरी 17 चल रहा है, उसका भाग पांचवा है। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं, वो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले आज का, निम्नलिखित पंचकोश को स्थूल सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना है और उनको व्यवस्थित क्रम में करना है। हमने ये पंचकोशों के नाम आपने कई बार सुने भी होंगे और पंचकोशों से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पंचकोश से संबंधित प्रश्न सबसे पहले ये उठता है कि पंचकोश किस उपनिषद से है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो आपने ध्यान रखना है, पंचकोश जो है तैतृय उपनिषद से लिया गया है। दूसरा, तैतृय उपनिषद वो किस उपनिषद वेद से है, तो वो कृष्ण यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेदीय तैतृय आरण्यक के 7, 8 और 9 अध्याय के अंतर्गत ये आता है, इस बात का ध्यान रखना है। और तैतृय जो उपनिषद है उसके अंदर तीन वलियां हैं। टोटल कितनी वलियां हैं उसमें? तीन वलियां हैं। पहली वल्ली जो है शिक्षा वल्ली है, भृगु वल्ली है और ब्रह्मानंद वल्ली है। इन तीन वलियों के भी नाम याद रखने हैं, कितनी वलियां हैं ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर ये पंचकोश जो हैं इनका वर्णन मिलता है। पंचकोशों के अंदर क्या है, सबसे पहले जो पंचकोश है हमने स्थूलता से सूक्ष्म की ओर जाना है। सबसे स्थूल जो है वो है आपका पहला नंबर का अन्नमय कोश। अन्नमय कोश सबसे पहला है। दूसरा अन्नमय से दूसरा बनता है प्राणमय कोश। दो नंबर का प्राण है, प्राण से सूक्ष्म कौन है? मनोमय कोश। मनोमय से आपका फिर ये अन्नमय नंबर एक यहाँ नीचे लगाना था मेरे को, चार नंबर वाला। और फिर आपका आता है चार नंबर पर विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश विज्ञान से भी सूक्ष्म है आपका आनंदमय कोश, पाँच नंबर वाला। इस तरह से आपको ध्यान रखना पंचकोशों का क्रम, चाहे विपरीत क्रम है चाहे आगे का क्रम है, इस तरह से आपको उनको याद रखिए। पंचकोशों का वर्णन तैतृय उपनिषद में है। अगला प्रश्न है इन, अब ये सूची वाले प्रश्न आगे, सूची एक में सूची दो को इनको क्रम से हमने व्यवस्थित करना है। अब ये जो व्यवस्था है ये कहाँ कहाँ इस तरह से इनकी मान्यता है ये भी हमें ध्यान रखना है। ये कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं शरीर आत्मा मन इंद्रिय, ये आगे के ऑप्शन हैं, इनमें से आपको मेल करना है किसके साथ क्या संबंध है। ये भी हमें कठोपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेदीय काठक संहिता से संबंधित है। तो उसमें छः वल्लियाँ हैं, उसमें भी क्या हैं, छः वल्लियाँ हैं। और छः वलियों के अंदर आपके उनको दो विभाजन में, दो भागों में विभाजित किया गया है कि पहली अध्याय में तीन वली आएंगी, दूसरे में तीन वली आएंगी। अब जो तीसरी वली है, तीसरी वली का तीसरा और चौथा जो मंत्र है उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। यहाँ जो आपको दिखाया गया है ये थोड़ा आधा है, हम अभी आपको पूरा इसका बता रहा हूँ कैसे है ये। अब इसमें शरीर जो है, शरीर किस में रहता है, पहले शरीर का हम यदि संबंध बनाए तो यहाँ पर शरीर का संबंध रथ से है। शरीर का संबंध किससे है? रथ से है आपका। और फिर जब आपकी आत्मा की बात करें, यहाँ एक थोड़ा गड़बड़ ये है कि आत्मा को यहाँ सारथी माना गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा जो है आपका, जीवात्मा जो है, जीवात्मा को सारथी नहीं, जीवात्मा जो है वो तो रथ का मालिक है, यानी वह रथी है। वह क्या है? रथी। जो रथ का मालिक होता है उसे हम अक्सर में क्या कहते हैं? जीवात्मा, यानी आत्मा। वह रथ का मालिक कहलाएगा। पर यहाँ पर ऑप्शन में जो यूजीसी नेट ने जो ऑप्शन बताया है वह आपको सारथी बता दिया। और इस मंत्रों में आप खुद स्वयं देखेंगे जाकर के काठक इस कठो उपनिषद में, तो वहाँ पर आत्मा को क्या कहा? रथी है ये। और ये सारथी की संज्ञा वहाँ पर बुद्धि को दी है। बुद्धि को क्या बोला? सारथी। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना है सारथी को बुद्धि का सारथी के साथ इसकी उपमा की गई है। अगला जो ऑप्शन बनता है इसमें मन, मन क्या है? आपकी लगाम है। मन लगाम हुआ और इंद्रियां आपकी अश्व है, यानी घोड़े हैं। और इन्हीं अश्वों का जो शब्द आदि स्पर्श जो हैं वो इनके अश्वों का चारा है, यानी जितने भी जो अपनी पंच इंद्रियों के स्पर्श हैं, रूप रस गंध है, ये इनका चारा है, इनका भोजन है। तो इसलिए ध्यान रखना है वो चलने के मार्ग हैं। तो इसी तरह इस दोनों में मंत्रों में ये वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न आपका, यानी इसमें भी यही है, इसको अच्छे ध्यान से समझ लेना आपने कि
ये पंच क्लेश जो है, पहले क्लेश शब्द आया, क्लेश को आपने समझना, ये सारा का सारा पातंजल योग दर्शन सूत्र से संबंधित है प्रश्न है ये। क्लेश जो है, ये पंच क्लेश जो है वो आपके प्रथम यदि पातंजल योग दर्शन सूत्र के दूसरे अध्याय का ये तीसरा मंत्र आप सूत्र देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या अस्मिता, जब अस्मिता आ गया तो मतलब इसका ये हुआ कि अस्मिता वाला जो ऑप्शन है चार नंबर वाला, ये क्लेश के साथ संबंधित है और बाकी नहीं है। अविद्या नहीं है, अस्मिता है, राग द्वेष अभिनिवेश नहीं है। अब चित्तवृत्तियाँ जो देखेंगे, ये पातंजल योग सूत्र में से एक प्रथम अध्याय का जो पहले का ये छठा है, ये छठा आप सूत्र देखेंगे पहले अध्याय का, तो उसमें चित्तवृत्तियाँ बताई हैं कौन सी, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। अब पांचों में से विकल्प जो है ये इसका सही उत्तर हो गया। इसी तरह से सहभूवय, सहभूवय क्या है तो आप देखें इसको, ये प्रथम अध्याय का 31वां इसमें सूत्र है ये। इसमें क्या है सहभूवय में, दुख दौर्मनस्य अंगमेयत्व श्वास और प्रश्वास, ये पांच सहभू है, इसलिए मतलब सी का ऑप्शन ये दो नंबर का हो गया। अब इसी के साथ अंतराय, अंतराय के लिए जब पढ़ते हैं तो प्रथम अध्याय में 30वां ही सूत्र आता है जिसमें क्या है, व्याधि स्नान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकतवान अनवस्थित्वानी चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। ये नौ प्रकार के जो अंतराय हैं ये आपके विघ्न हैं, इसको आपको एक नंबर में इस तरह से रखना। इस तरह से आपको इनको श्लोकों की सूत्र संख्या के साथ श्लोकों को भी सूत्रों को याद कर लेना है, क्योंकि कई बार ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। विकल्प की जगह यहाँ पर प्रमाण आ सकता है, अस्मिता की जगह यहाँ राग आ सकता है, अंगमेयत्व से की जगह कोई श्वास आ सकता है, यहाँ पर कोई व्याधि आ सकती है। इस तरह से कहीं भी घूम कर ये प्रश्न इनमें से आता है, जरूर आता हर बार। अगला प्रश्न जो है इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानने से पहले आपको देखना है कि ये यहाँ बताया चपटी अस्थियाँ कौन सी हैं, लंबी अस्थियाँ कौन सी हैं, छोटी अस्थियाँ कौन सी हैं, टेढ़ी मेढ़ी यानी असम्यक जो अस्थियाँ हैं वो कौन सी हैं, इनमें से हमें उनको चयनित करना है। पहले हम सबसे पहले देखेंगे चपटी अस्थियाँ। चपटी अस्थियाँ को जो है वो हम फ्लैट बोन्स बोलते हैं। चपटी अस्थियाँ कौन कौन सी हैं आपको अभी उत्तर मिलेगा। रिब्स जो हैं यानी पसलियाँ जो हैं वो चपटी अस्थियाँ में आती है। स्कंद यानी कंधे का स्कैपुला जो पार्ट होता है स्कैपुला, ये भी चपटी अस्थियाँ हैं। और वक्षोस्थी है यानी आपका स्टर्नम जो है यानी दोनों फेफड़ों के बीच में जो है एक डंडी सी रहती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, वह भी चपटी है। और कपाल की अस्थियाँ ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी आपकी, चपटी अस्थियों में आएंगे। अब आप देखेंगे इसके अंदर आपका स्कंद उरोस्थी जो सब आ रही हैं ये चपटी अस्थियों में कौन कौन सी आई, आपका ऑप्शन ये तीन नंबर का ये आएगा। यहाँ पर उरोस्थि है यानी आपका छाती का भाग आपको लिया गया है और असंफलक है, तो इन तरह से इसको देखिए। लंबी अस्थियाँ कौन कौन सी हैं यानी लॉन्ग बोन्स में आपकी भुजाओं में हैं, जैसे लिम्ब्स हैं, सबसे लंबी जांग मानी गई है जिसे हम फीमर बोलते हैं, तथा टांग की टिबिया फिबुला अस्थियाँ आती हैं। अब यहाँ पर बाहें और टांगों की लंबी अस्थियों में काउंट आप देख लीजिए। इसी तरह से सबसे आपकी छोटी अस्थियों में काउंट करें शॉर्ट बोन के अंदर, तो केवल अपनी कलाइयों में मणिबंधीय अस्थियां हैं जिसे हम कार्पल बोन्स बोलते हैं, तथा टखनों और गुल्फ अस्थियां हैं जिसे टार्सल बोन्स कहा जाता है। अब यहां पर कलाइयों का ऑप्शन है छोटी अस्थियों में काउंट करेंगे, चाहे वो आपके टखनों की भी आए, यहां पर टार्सल भी लिखा आ सकता है, आपका कार्पल भी आ सकता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। टेढ़ी मेढ़ी जो अस्थियाँ हैं वो कहाँ होती हैं, वो आपके ये वर्टिब्राज के अंदर होती है, इनको इरेगुलर बोन्स बोलते हैं। इसमें कशेरुकाएँ हैं, वर्टिब्रा हैं, वर्टिब्रा है, चेहरे की कुछ अस्थियाँ आती हैं, मुखमंडल की भी कुछ अस्थियाँ हैं जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, और कुल्ले यानी हिप्स बोन भी आती है। इस तरह से कशेरुका के साथ साथ मुख की कुछ हड्डियाँ हैं, कुल्ले की हैं, या आपको चार तरह की यहाँ हड्डियों के प्रकार बताए हैं, पर एक प्रकार और भी होता है, यानी टोटल कितने प्रकार हैं हड्डियों के, इसमें आकृति के आधार पर पांच प्रकार के लिए गए हैं। उनमें से पांचवा जो प्रकार आता है वह कंडरास्थियाँ आती हैं। कंडरास्थियाँ को बोलते हैं सेंमोइड बोन्स बोलते हैं, सेंमोइड बोलते हैं, ये
तिलाकार अस्थियां भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? तिलाकार अस्थियां। जिसमें एग्जांपल देखें तो आपके घुटने के जो ऊपर का टखनी ऊपर रहती है उसको बोलते हैं पटेला, है ना, पटेला देखते हैं। और कलाइयों की पीसी फॉर्म अस्थि है। कलाइयों एक पीसी फॉर्म नाम याद रखिए और एक पटेला नाम रखिए। ये कंडरा अस्थियाँ आती हैं, इनको भी स्मरण करिए। अगला जो प्रश्न है आपका वो भी ये इम्पोर्टेंट है आपका। योग साधना में जो विघ्न स्वरूप क्या है, ये प्रश्न आता है कई बार। तो यानी विक्षेप कौन कौन से हैं या अंतराय कौन कौन से हैं, बाधक तत्व कौन से हैं, तो इन सब के अंदर ये आपको याद रखना है। तो वही नौ बाधक अभी बताया था प्रथम अध्याय के तीसरा, यानी आपको यानी समाधि जो पाद है उसका पहला 30वां श्लोक है, सूत्र जो है वही व्याधि स्त्यान अस्तय, जो व्याधि स्त्यान संशये प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिक्तवान अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अब यहाँ पर इनके अर्थ सहित उनको मेल करना है। यदि हम स्त्यान को देखें तो स्त्यान का अर्थ यही होता है कि इच्छा न करना। स्त्यान का अर्थ हुआ इच्छा न करना। ये समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता जो है ऑप्शन है ये अलग है। इसको ऊपर इधर वाले में आपने इसको समझना है। स्त्यान का सिर्फ अर्थ होता है इच्छा न करना। अगला जो बी का अविरति है, विरति मतलब होता है कि उसमें विरक्त हो जाना, अविरति होते हैं उस विषयों में तृप्ति बने रहना। यानी बी का ऑप्शन यदि हम देखेंगे तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन बनेगा। अब सी अलब्ध भूमित्व क्या है, यानी अभी आपको कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, अलब्ध भूमित्व यानी समाधि की भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता, यानी सी का ए बनेगा। और अनवस्थित्व क्या है, आप इसमें अभी प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थ। जो अनवस्थित अवस्था है यानी उसकी कोई स्थिति नहीं है, अब अनवस्थित अवस्था को बोलते हैं प्राप्त स्थिति में चित्त लगाए रखने की असमर्थता। जो भी प्राप्त हो गया उसमें चित्त अब वो लग नहीं पा रहा। इस तरह से ये आपको स्मरण करना है। इस सूत्र को यदि आप 9 विघ्नों को याद करेंगे, उनके अर्थ को याद करेंगे, तो ये विघ्न यहाँ 4 दिखाए हैं, 5 और भी हैं, उनके अर्थ को आप समझिए। प्रथम पाद का ये 30वां सूत्र है। अगला जो प्रश्न है आपका बहुत आसान है। नासिका मार्ग की सफाई के लिए कौन सा षटकर्म सर्वोत्तम माना गया है? षटकर्म आपको बता देता हूँ, बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर धोती दिया है, नेति दिया है, बस्ती दिया है कि नौली दिया है, पर इसमें कपालभाति अभी नहीं है और इसके अंदर अभी एक और नहीं है जिसका नाम है यहाँ आपका त्राटक नहीं है, ठीक। अब पहले हम देखें कपालभाति को समझिए। आप अपना मुखमंडल देखेंगे तो कपालभाति है आपके कपाल का शोधन करता है 1 नंबर का। और फिर उसके बाद कपाल के नीचे क्या आता है, आंखें आती हैं, आंखों से बनता है त्राटक, आंखों से त्राटक से शोधन होता है। फिर नाक का नेति है, नाक का सफाई कौन करता है, नेति। जो प्रश्न का उत्तर है इसका नेति, नेति नाक की सफाई करता है। फिर नाक के नीचे मुख आता है, मुख को कौन करता है, वहां पर धोती आएगा, मुख को साफ कौन करेगा, धोती। फिर मुख के नीचे आपका क्या आया, पेट, पेट में क्या होता है, नौली होगा। फिर पेट से नीचे क्या है, फिर आपका बस्ती होगा, आंतों की सफाई करता है। इस तरह से 9 के ये 6 के 6 षटकर्मों को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। कपाल शोधन किया, फिर आंखों का आपने त्राटक किया, नाक का आपने नेति किया, मुख को आपने फिर बस्ती, आपने मुख से आपने धोती किया, और फिर आपने पेट से नौली किया, और फिर बस्ती पार्ट जो आपकी आंतों का शोधन होता है। यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो गया, 2 नंबर का, नेति, नाक को शोधन करने का। अगला प्रश्न जो है षटकर्मों के अभ्यास की सलाह दी जाती है। किनको षटकर्म के अभ्यास की सलाह दी जाती है, कैसे दी जाती है? वो कहते हैं केवल आसन करने से पहले षटकर्म करना चाहिए क्या, ये बताया। आसन और प्राणायाम से पहले करें क्या, या केवल प्राणायाम से पहले करें क्या, या आसन और प्राणायाम के बाद में करें क्या, इसके लिए इन्होंने क्या कहा, तो इसको भी आप देख लीजिए। षटकर्म कब करें, तो आसन प्राणायाम से पहले करना, ये एक सही उत्तर है। आसन और प्राणायाम से पहले करना कैसे सही है, ये आप, ये घेरंड संहिता एक ग्रंथ है उसमें सप्तांग योग है, यानी 7 अंग योग बनाए गए हैं। उसमें आप देखेंगे पहले पाद का 10वां सूत्र, आप उसमें श्लोक देखिए एक बार, पहले अध्याय का 10वां श्लोक देखेंगे तो उसमें लिखा षटकर्मणा शोधनञ्च
आसनेन भवेद्रिडम, वहां पर षट कर्म को पहला ही कर्म बताया आसनेन भवेद्रिडम, फिर मुद्रा है, फिर प्रत्याहार है, फिर प्राणायाम है। यानी कहने का तात्पर्य है आसन प्राणायाम से पहले ही षट कर्म का शोधन किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कब्ज से पीड़ित मरीजों को लाभदायक षट कर्म है, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको पेट कब्जियत तह में है, तो फिर आपको कौन सा षट कर्म करना है, तो उसमें बस्ती करें या नेति करें। नेति तो हो नहीं सकता क्यों, नाक से है। अब फिर दूसरे में नेति आ गया, ये भी नाक से है। बस्ती तो होता है पर नेति नहीं हो सकता। फिर बस्ती करें और नौली करें, क्योंकि ये नौली पेट से संबंधित है और बस्ती आंतों से संबंधित, इसलिए 3 नंबर का जो है आपका विकल्प है ये सही है। नौली के साथ कपालभाति, ये मस्तिष्क का हो गया, कपालभाति ये नहीं है। इसलिए आपने जो विभाजन मैंने बताया उसी तरह से उनको याद कर लीजिए, तो आपको जो रोग होगा उस क्षेत्र से आपको एक बड़ा बड़ा अनुमान लग जाएगा। अगला प्रश्न है आज का वो ये है, नेति क्रिया के 2 मुख्य भाग कौन से हैं। अब नेति क्रिया के मुख्य 2 भाग कौन से हैं, नेति क्रिया को हमने मुख्य 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी आपका जल नेति घृत नेति है क्या, घृत वाला नहीं है, सूत्र और दुग्ध नेति है क्या, है ना, तो ये भी नहीं है। और जल नेति है, सूत्र नेति है, ये बिल्कुल सही है, और सूत्र और मधु नेति, मधु मतलब शहद से कभी नहीं करते हम। आप देखेंगे इसको भी घेरण संहिता के पहले अध्याय के आप 51 नंबर श्लोक को देखिए, तो वहां पर जल नेति के बारे में, एक नेति क्रम के बारे में बताया गया है, तो वहां पर तो जल नेति ही सूत्र नेति का ही वहां पर विचार किया गया है, जल नेति नहीं है, फिर भी कुछ ग्रंथों में जल नेति भी बताया है। तो इसलिए मुख्यतः यहाँ बात है, मुख्य प्रकार माने जाएं तो जल नेति और सूत्र नेति को ही स्वीकार किया गया है, और तो बहुत सारे अन्य विविध और भी हैं। अगला आज का अंतिम प्रश्न, आंखों को झपकाए बिना किस बिंदु या वस्तु को एकटक देखने को कहा गया है। यहाँ धोती तो होना ही, क्यों, धोती तो आपके मुखमंडल से आपका पेट का अमाशय का सफाई करता है, नेति नाक का सफाई करता है, कपालभाति आपका मस्तिष्क का सफाई करता है, कपाल शोधन करता है, पर त्राटक जो है 2 नंबर वाला जो है, यानी नेत्र का, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी क्या ऑप्शन आपके गलत हैं। ये कैसे, ये त्राटक का, ये भी आपका प्रथम अध्याय का 54 नंबर श्लोक आप देखिए, तो उससे आपको अच्छे से विस्तार में समझ में आएगा ये घेरण संहिता में क्या है। यानी हम किसी वस्तु को तब तक उस बिंदु पर, स्थान पर एकाग्रचित होकर देखते हैं जब तक, और बिना आंख की पलक झपकाए, बिना टकटकाए एक स्थान पर देखते हैं जब तक आपकी आंखों से अश्रुपात न हो जाए, ये कहा, वो क्या कहलाएगा, त्राटक, उसे त्राटक ही कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका आज का वीडियो पूर्ण हुआ, जो जैसा भी आपका इसमें सुझाव हो, जो भी शंका हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए सबका इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।